Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain from question number 10th of exercise 9A class 10th mathematics chapter name arithmetic and geometric progression. So it is second video of exercise 9A. This video will start from question number 10. So let's start the video. The sum of the second and seventh term of an AP is 30. If its 15th term is 1 less than twice its 8th term, find the AP. Means question mein kya keh raha hai? If the sum of 2nd and 7th term of an AP is 30, means 2nd and 7th term ko agar add kiya jaye, to uska sum kitna hai? Aapka 30 hai. Clear? Sum of 7th and 2nd term is 30. If 15th term is 1 less than the twice its 8th term, find the AP. Clear? सबसे पहला काम क्या कि इस क्वेश्चन को ज़रा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि आपको क्या क्या मालूम है. ठीक है. ओके, गिवन दैट द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म, सम ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30. एक कंडीशन तो ये है कि सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म को ऐड करने पर 70 मिलता है. तो अगर हम ये सपोज कर लें, लेट अस सपोज दैट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी ए एंड दैट डिफरेंस इज डी, देन सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये ना. एंड सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. क्लियर? इज इक्वल टू 30. ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें. ए प्लस डी 1d प्लस ए प्लस 6d इज इक्वल टू 30. मीन्स 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30. इट इज़ योर फर्स्ट कंडीशन, और यू कैन से दैट फर्स्ट रिलेशन. ओके, नाउ एंड इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म. अब इन्होंने कहा है अगर से इसका 15th टर्म, इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन, तो ये 1 कम है तो इसमें 1 ऐड कर ले, लेस देन ट्वाइस इट्स 18th टर्म. इसके 18th टर्म का ट्वाइस जो होगा उससे 15th टर्म 1 यूनिट कम है. क्लियर? अब इसमें ला के अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ए 15 मीन्स हो जाएगा ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स ए प्लस 14d एंड ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट बना दीजिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगी, टी 8 मीन्स ए प्लस 7d, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7d, ए प्लस एन माइनस 1 होता है ना. ठीक है. अच्छा, इसको थोड़ा सा आप और शॉर्टकट ना लगाइएगा, डिटेल वाइज हर स्टेप को लगाते जाइए ताकि आपकी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए. 2a प्लस 14d. क्लियर? थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो देखिए, ये भी 14d है आपका, ये भी 14d है, तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से आपको a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, मीन्स 1 इज इक्वल टू 2a माइनस a इज इक्वल टू a. सो a इज इक्वल टू क्या हो गए? 1. अब अगर a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो वहाँ से आपको d की वैल्यू मालूम हो जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30. 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, 2.1, 2 आएगा, 2.1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 30. मीन 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28. So we can write 7 4s are 28, means a is equal to 1 and d is equal to 4. अब क्वेश्चन में क्या कहा था? फाइंड द ए पी, मीन्स आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी? वैसे लिख दिया जाए अगर तो क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती? a a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके की आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी. तो अगर इसमें हम a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं तो हमको सारे टर्म मालूम हो जाएंगे. a इज इक्वल टू 1, क्लियर? a प्लस डी मीन्स 1 प्लस 4, सो 5.
अब इसमें डी और ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9 9 प्लस 4 13, आप चाहिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए या फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करते जाइए तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे लाके वैल्यू पुट करिएगा तो भी ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपकी वो एपी हो गई जो आपसे पूछा गया था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, मीन्स T4 इज इक्वल टू 11। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 34। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म मीन्स T5 एंड T7 इज इक्वल टू 34। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। देखिए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने टेंथ को सॉल्व किया, वहाँ पे हमने ए और डी की वैल्यू निकाली है, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था, उसके बाद एपी फाइंड किया था। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो इक्वेशन बनेगा उसको सिंप्लीफाई करके हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा, हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का इक्वेशन बना देते हैं जिससे शायद आपको कुछ हेल्प हो जाए सॉल्व करने में। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये सपोज कर ले रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस एज ए डी। क्लियर? इट इज़ गिवन दैट इन 11th क्वेश्चन द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 11, मीन्स T4 इज इक्वल टू 11। क्लियर? T4 की जब आप वैल्यू पुट करिएगा तो आपको मिल जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ना 4 माइनस 1 इंटू डी, या ऐसे कह लीजिए 11 इज इक्वल टू a प्लस 3d। एक रिलेशन तो आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक। एंड सेकेंड कंडीशन के लिए क्या कहा है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 34। एक रिलेशन आपको यहाँ से मालूम हो गए। तो T5 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस, जैसे 4 माइनस 1 किया था वैसे T5 के लिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, एंड T7 के लिए a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 7 माइनस 1 करिएगा तो 60 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको a और d के फॉर्म में एक रिलेशन और मिल जाएगा, 2a 6d प्लस 4d इज इक्वल टू 10d इज इक्वल टू 24। क्लियर? मीन्स सॉरी 34, a प्लस 5d इज इक्वल टू, a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। इट इज़ योर सेकेंड रिलेशन। क्लियर? नाउ सिंप्लीफाई दिस टू रिलेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। डी क्वेश्चन में पूछा है, बट अगर आपका ए पहले निकल आता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर हम यहाँ और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को या सेकंड से इक्वेशन से फर्स्ट को, तो ए कैंसिल हो जाएगा, आपको डी की वैल्यू डायरेक्ट मालूम हो जाएगी। सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन में कहता फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ, तो हमको ए की भी वैल्यू मालूम कर लेनी होती, बस और कुछ नहीं। तो डी की वैल्यू पूछा तो आप सिर्फ डी को निकाल कर छोड़ दीजिए, और अगर ए भी निकालना चाहिए तो निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस। देखिए मिडिल टर्म तो आप तब फाइंड कर पाइएगा जबकि आपको ये मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने। जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास 5 टर्म है तो थर्ड टर्म आपका एज ए मिडिल टर्म होगा, हमारे पास 21 टर्म है तो 11th टर्म हमारा एज ए मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पे तो अभी आपको यही नहीं कन्फर्म है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो सबसे पहला काम तो यहाँ से हमको फाइंड करना है कि सपोज कर लेंगे कि nth टर्म की वैल्यू 37 है, सो फाइंड करेंगे कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म मालूम होगा, उसके बाद जो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लीजिए कि nth टर्म की वैल्यू 37 है तो n की वैल्यू क्या होगी। आइए क्वेश्चन को नोट करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन था 213, 205, 197 to 37। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ n, या सपोज nth टर्म भी 37, सो बाय द फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट हियर, tn 37, फर्स्ट टर्म a 213 प्लस n माइनस 1, एंड डिफरेंस क्या होगा, देखिए डिजिट कम होती जा रही है, 205 में से इसको माइनस करिए कितना मिल जाएगा, डिफरेंस एज ए माइनस 8, ध्यान दीजिएगा माइनस 8 आएगा डिफरेंस, प्लस नहीं। 205 माइनस 213 करिएगा, ऐसा मत करिएगा आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नहीं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एज ए डी। नो, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए, 237
माइनस 213 इज इक्वल टू माइनस 8 इन ब्रैकेट एंड माइनस 1। क्लियर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, देखिए रिजल्ट क्या मिलता है आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। नो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, माइनस 176 एज ए आंसर। क्लियर। नाउ डिवाइड बोथ टर्म बाय 8, मीन्स 8 एज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू टर्म, सो यू कैन डिवाइड बोथ द टर्म बाय 8। व्हेन वी डिवाइड 176 बाय 8, वी गेट 8 to the 16 एंड एन माइनस 1, सो एन इज इक्वल टू 23। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 23। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टोटल नंबर ऑफ टर्म 23 है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 23 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, मीन्स 12th टर्म आई थिंक ना, 24 अपॉन 2 मीन्स 12th टर्म। अब आपको क्या करना है, 12th टर्म को फाइंड करना है कि 12th टर्म होगा क्या। तो हमको a और d की तो वैल्यू मालूम है, a मीन्स 213 एंड डिफरेंस d इज इक्वल टू माइनस 8, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। t12 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। क्लियर। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपको रिजल्ट मिल जाना है, 213 माइनस ये कितना है 11 इंटू 8 माइनस 88, सब्ट्रैक्ट दिस टू नंबर, वी गेट एज ए मिडिल टर्म 125 एज ए आंसर, इट इज योर मिडिल टर्म 125। क्लियर। नाउ ये वैसे शायद आपकी बुक में किसी एग्जांपल का हिंट भी होगा, बट ये पूरा सोल्यूशन है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली, मीन्स थर्ड टर्म 4 एंड नाइन्थ टर्म माइनस 8, तो यहाँ से आपको दो रिलेशन मिलेगा, दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। मीन्स टी थ्री की वैल्यू कितनी हो गई, 4, टी थ्री मीन्स ए प्लस 2d एंड टी नाइन मीन्स ए प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। ये दो रिलेशन हो गए, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। देन विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0, अब आपसे पूछा है तो बताइए इस ए पी का कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक, आइए क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में नोट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें देखिएगा, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म मीन्स हो गया टी थ्री आपका दिया गया है 4 एंड नाइन्थ टर्म की वैल्यू दी गई है -8, ये दो चीज़ें आपको मालूम है। तो सबसे पहला काम, तो हमको a और d की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब a और d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसके बाद पूछा है देन विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, इस ए पी का कौन सा टर्म आपका 0 है। तो हम सपोज कर लेंगे nth टर्म 0 है, n की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे, वो बात का इश्यू है, पहले a और d की वैल्यू सॉल्व करते हैं। ज़रा से शॉर्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी सॉल्व किया है। टी थ्री मीन्स ए प्लस 2d, ये ना, देखिए 3 माइनस 1 इंटू d करेंगे तो 2d आ जाएगा, एंड टी नाइन इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो 8d हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमको यहाँ से a और d की वैल्यू मिल जानी चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 और ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस 6d ना। यहाँ से देखिए आपको d की वैल्यू मिल रही है, वैल्यू d इज इक्वल टू क्या मिल गई, माइनस 2, 6 to the 12। अगर हम यहाँ पे d की वैल्यू ला के रख देते तो हमें a की भी वैल्यू मालूम हो जाती है, यहीं सॉल्व कर देते ताकि सब चीज़ें एक ही स्क्रीन पे काम हो जाए। 4 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू माइनस 2 है तो ये हो जाएगा माइनस 4, मीन्स a इज इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2, क्योंकि d की वैल्यू माइनस 2 है, तो 2 to the 4 माइनस आ जाएगा, a की वैल्यू हो गई 8। क्लियर। अब देखिए आपको a की वैल्यू मालूम है, आपको d की वैल्यू मालूम है, अब आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0,
हम सपोज कर लें इसका nth टर्म आपका ज़ीरो होगा। nth टर्म ज़ीरो होने का मतलब हो गया कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी, है ना। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें हमको a और d की वैल्यू का ऑप्शन है कि हम इसको रख सकते हैं। a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 10 इज इक्वल टू 2n, 10 इज इक्वल टू 2n मीन्स n इज इक्वल टू 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगा आपका वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसको आसान धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, क्वेश्चन सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ भी शॉर्टकट लगाने का कोशिश करिएगा वहाँ पे केयरफुल रहिएगा कि आपको वो स्टेप आ रहा है या नहीं। ज़रा सा भी डाउट हो तो फुल क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, शॉर्टकट लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओके। विच टर्म ऑफ द ए पी 120, 116, 112 इज़ द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब देखिए ये कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात कम होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी शायद आपको वन मिल जाए या टू मिल जाए, उससे कम करेंगे तो माइनस वन या माइनस टू कुछ भी जा सकता है। तो ये आपसे कह रहा है कि कौन से नंबर पे ऐसा होगा कि फर्स्ट टर्म आपका निगेटिव मिले। अभी तो हमें ये नहीं मालूम है कौन से नंबर पर होगा। हम सपोज कर लें जो nth टर्म होगा वो हमारा निगेटिव है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10th टर्म हो सकता है, 20th टर्म हो सकता है, 50th टर्म हो सकता है, कुछ भी। हम सपोज कर लें जो nth टर्म है हमारा वो निगेटिव है, तो आइए क्वेश्चन को नोट करते हैं। वैसे आपके एग्जांपल के तरीके से वहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं आप। अगर ये सपोज कर लिया जाए कि फर्स्ट nth टर्म आपका निगेटिव है, तो सपोज कर लेते हैं tn जो है वो निगेटिव है, ठीक। तो निगेटिव मीन ज़ीरो से कम, तो tn की वैल्यू क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना। हमको a और d की वैल्यू तो यहाँ से मालूम हो जाएगी, n की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म 120 प्लस n माइनस वन एंड डिफरेंस 116 माइनस 120। देखिए डिफरेंस कैसे निकलेगा, 116 माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस 4। ध्यान दीजिएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसा मत कर दीजिएगा कि फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, नहीं, जो टर्म आगे है उसमें से पहले वाला माइनस करना है, ठीक। 112 में से 116 माइनस होगा, 116 से 120 माइनस होगा, तो d की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो d की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 4 लेस देन 0। थोड़ा सा और सॉल्व करें, 120 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0, यानी कि 124 माइनस 4n लेस देन 0। अब देखिए आपने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था तो वहाँ पर इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, यहाँ पे साइन इनका अरेंजमेंट होता है। ये हो गया 4n इज ग्रेटर देन 120, सो n ग्रेटर देन 30, 120 को डिवाइड कर लीजिए, तो n की वैल्यू अगर से 30 से ज़्यादा है तो फर्स्ट n की वैल्यू क्या होगी, जो निगेटिव होगी। तो फर्स्ट निगेटिव नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट निगेटिव नंबर विल बी 31st टर्म। देखिए 30 के ऊपर होगा तो वो आपका निगेटिव होगा, तो 31st टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ये क्लियर है, यही जैसे समझना, हमने 30 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि n ग्रेटर देन 30 है, तो 30 के ऊपर का जो नंबर होगा वो पहला निगेटिव होगा, ये ना। तो 30 से ज़्यादा कौन सा होगा, 31 होगा। हमको फर्स्ट निगेटिव लेना था इसलिए हमने 31 लिया, अगर हमको उसके ऊपर कोई भी निगेटिव लेने होते तो हम तो कोई भी ले सकते थे, 50 टर्म ले सकते थे, 60 टर्म ले सकते थे, बट सबसे पहला टर्म लेना है जो निगेटिव हो, तो सबसे पहला कौन सा होगा, जो 30 के बाद वाला होगा, मीन्स 31st टर्म। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिवाइजेबल बाई 7। कितने थ्री डिजिट के नंबर ऐसे होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को बनाना होगा। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट डिजिट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है विच
इज़ डिवाइजिबल बाई 7, पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो लिख लेते हैं, और लास्ट का कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो आपको मालूम करना, उसके बीच के तो सारे नंबर 7 के डिफरेंस पे होंगे ही, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करते हैं विच इज़ डिवाइजिबल बाई 7। अब देखिए हमको दो काम करना है, एक तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है विच इज़ डिवाइजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 100 से ना, एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, 999। ना तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है और ना ही ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हमको मालूम करना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड होता है। पहले इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 1428, टू एज ए रिमाइंडर ना, यानी कि 14 7 98, ये ना। अच्छा इसके बाद जो नंबर आएगा वो 15 टाइम्स जाएगा, यानी कि 105 एज ए फर्स्ट नंबर, वो 3 डिजिट नंबर भी है और फर्स्ट नंबर है जो आपका 5 से डिवाइड होता है। और जाहिर सी बात इसके बाद का जो नंबर होगा वो 112 होगा, इसमें 7 ऐड कर दे मालूम हो जाएगा, इसके बाद का जो नंबर होगा वो 119 होगा। तो इस तरीके से हमको स्टार्टिंग के नंबर तो मिल गए, अब लास्ट कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होता है, इसको भी 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7 7 4 28 1 and 7 1 2 14, 5 एज ए रिमाइंडर। तो ये 5 नहीं आता तो ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, मीन्स लास्ट डिजिट कौन सी होती, 994। अब ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, अब इसके बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। सीधी सी ये बात आपसे पूछी गई थी, आपको फर्स्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म एज ए 105, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7 का डिफरेंस है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है ये। अच्छा टी एन 994, तो आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डिफरेंस, इसमें ला के सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एन हो गया, टी एन हो गया, ए 105 प्लस एन माइनस 1 इनटू डिफरेंस 7। अब इसके आगे का काम आप अपने से कर लीजिए, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कैसे हम वो नंबर मालूम करें जबकि क्वेश्चन में तो कुछ दिए ही नहीं है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया लेकिन उसके लिए कंडीशन दे रही है कि 3 डिजिट नंबर है, अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं ये आपको चेक करना है, किसी और डिजिट से भी डिवाइजेबल की बात हो सकती थी तो उसके लिए भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, पहले 103 डिजिट से 999 तक देखते थे कि कितने नंबर ऐसे हैं जो हमारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं, उनको दो चार नंबर हम अरेंज कर लेते हैं सिस्टमेटिकली ऑर्डर में, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट नंबर से समझ में आ जाता कि n की वैल्यू क्या होगी। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए, आप देख लीजिएगा n की वैल्यू कितनी आती है, क्लियर, आपकी बुक में n की वैल्यू 128 दी गई है, हो सकता है 128 टर्म हो बट आप n की वैल्यू सॉल्व करके आप देखिए 128 आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मीन्स दो अलग अलग AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना, मीन्स हम सपोज कर लें एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A1, दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म A2 है, एक AP है जिसका फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D1, दूसरे का कॉमन डिफरेंस D1 है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पहले को D1 सपोज करेंगे तो दूसरा वाला भी D1 होगा, पहले को D सपोज करेंगे तो दूसरा वाला भी आपका D होगा, ठीक है। ओके अब इन्होंने कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज माइनस A1 एंड ऑफ द अदर इज माइनस 8, पहले का फर्स्ट टर्म माइनस 1 और दूसरे का माइनस 8 है, तो बताइए उनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन शॉर्ट फॉर्म, लुक हियर, सपोज वी हैव टू AP हुज फर्स्ट टर्म A1 डिफरेंस D1, सेकंड AP फर्स्ट टर्म A2 डिफरेंस D2, क्लियर, बट डिफरेंस आर सेम, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, मीन्स फर्स्ट AP का जो फोर्थ टर्म होगा वो और सेकेंड AP का जो फोर्थ टर्म होगा वो, दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है, इसको हमने T लिखा है, इसको T- कर दे रहे हैं,
क्लियर। इसका फोर्थ टर्म कैसे होगा, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, फोर माइनस वन इंटू डी मीन्स थ्री डी। और इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू थ्री डी। यानी कि दोनों का फोर्थ टर्म आपको मालूम हो गया है। आपसे क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म मीन्स टी फोर माइनस टी फोर डैश। सो टी फोर मीन्स माइनस वन प्लस थ्री डी एंड टी फोर डैश मीन्स माइनस एट प्लस थ्री डी। ये क्वेश्चन है, यही तो है, इसको सॉल्व कर लीजिए बस आपको रिजल्ट मिल जाएगा, माइनस वन प्लस थ्री डी एंड प्लस एट माइनस थ्री डी, थ्री डी एंड थ्री डी कैंसिल आउट, माइनस एट प्लस एट माइनस वन इज इक्वल टू सेवन, मीन्स द डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ, डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म इज सेवन। क्लियर, क्या किया, फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म निकाल दिया, सेकेंड एपी का फोर्थ टर्म निकाल दिया, और सिंपल सा दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, आपको मालूम हो जाएगा उनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना है। अच्छा, एक काम तो ये भी हो सकता था, हम टी फोर डैश पहले करते, टी वन बाद में करते, अगर ऐसे कर लेते टी फोर डैश माइनस टी फोर, तो अब ये वाले टर्म आप पहले लिखते, इसके लिए क्या होता, माइनस एट प्लस थ्री डी, और ये टर्म आप बाद में लिखते माइनस वन प्लस थ्री डी। तो अब इस कंडीशन में आपको रिजल्ट क्या मिलता, माइनस सेवन। तो उनका डिफरेंस प्लस सेवन भी हो सकता है, माइनस सेवन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा आपसे नहीं कहा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस बताओ, है ना, बस उनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताना है, चाहे पहले वाली सीरीज हम पहले लिख दें, चाहे दूसरी वाली सीरीज हम पहले लिख दें, फोर्थ टर्म तो डिफरेंस किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है। तो अगर इस तरीके से निकालेंगे तो प्लस सेवन आंसर आएगा, एंड ऐसे निकालेंगे तो माइनस सेवन आंसर बन जाएगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बचे हुए क्वेश्चन हैं, इनको लगाने की कोशिश करिए, और अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।